आलोक शर्मा जी, जो बातें पीडीपी चीफ की ओर से कही गई हैं, कितना इत्तेफाक रखती है कांग्रेस उससे, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं समझता हूं बिल्कुल जो भी वक्तव्य आया है वो पूरी तरह से निंदनीय है और उसको किसी भी रूप में कोई भी हिंदुस्तानी स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन सीधे सीधे दो तीन सवाल है। क्या देश को राजभर, ओवैसी, बारक या मुनव्वर राणा जैसे लोग चला रहे हैं? देश में सरकार है हमारी, सरकार का तालिबान को क्या लेकर क्या रुख है वो अभी तक क्लियर नहीं है। महबूबा मुफ्ती की और एनसी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, अभी संबित जी ने बहुत बुराइयां की। पहली बार जब ये केंद्र में सत्ता में आए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, दोनों इनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, 50 साल तक गालियां देते रहे उनको। पहली बार जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका आया पीडीपी के साथ, तो महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने 3.5 साल तक खूब लूट में शामिल रहे। महबूबा मुफ्ती ने जब ये कहा कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा कोई, इन्होंने सत्ता से अपना मोह नहीं छोड़ा, इन्होंने अपना जो समर्थन था वो वापस नहीं लिया। 10,000 पत्थरबाज भी छोड़े, फौजियों के ऊपर FIR भी कभी हुई, आतंकियों का धन्यवाद मोदी जी की प्रेजेंस में हुआ, बुरहान वानी के जैसे आतंकी के लिए नौकरियां और पैसे भी इन्हीं की सरकार में गए। लेकिन आज का विषय वो नहीं है चित्रा जी, आज जो विषय वो बहुत बड़ा विषय है। आज अच्छे दिन आ गए कि हिंदुस्तान की तुलना तमाम टीवी चैनल्स पे अफगानिस्तान से हो रही है। आप कह रहे हैं कि साहब ये जो व्यक्ति बैठे हैं ये बहुत गंदा बोल रहे हैं और कौन कौन हमदर्द है, मैं भी आज तक के नीचे देख रहा हूं। सबसे बड़ा अगर कोई तालिबान का हमदर्द है तो भारत की केंद्र सरकार है। 29 फरवरी 2020 को जब कतर में समझौता हुआ, हिंदुस्तान वहां पर मौजूद था, क्या मौजूद नहीं था वहां पर? जब ट्रंप ने बरादर को पाकिस्तान से छुड़वाया, क्या हमने ऑब्जेक्शन किया? हमारे 35,000 करोड़ रुपया डूब गया वहां पर, जो आज तक हमने वहां के राष्ट्र निर्माण में लगाया, क्या हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से एक भी स्टेटमेंट आई? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। बिल्कुल चित्रा जी, एक मिनट, ठीक है, जल्दी से सर, दो हमारे साथ बेहद खास मेहमान है। जिस समय पर रशिया और पाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे और हम आकर टीवी पर चिल्लाते थे तो हमें देशद्रोही ठहरा दिया जाता था। आज पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, रशिया का नेक्सस बन गया और हमारी सरकार यहाँ पर बैठकर हिंदू मुसलमान पर जवाब दे दीजिए। अशोक, इंपॉर्टेंस सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, वो कह रहे हैं कि बातचीत तो सरकार ने कर ली है ना तालिबान से, सामने नहीं आया है, बताइए ना कि देश का क्या स्टैंड है तालिबान को लेकर। फॉरेन मिनिस्टर धन्यवाद दे रहे हैं तालिबान का। चित्रा जी, यहाँ पर, यहाँ चित्रा जी पहले इनकी आवाज को कम करिए। चित्रा जी, मैं शांति से सुनता हूँ, बीच में ये सब चिल्लाते हैं। चित्रा जी यहाँ भूल जाइए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, यहाँ पर दो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, आप मेरे बाद अशोक सज्जनहार जी से पूछ लीजिएगा, वो जवाब दे देंगे। पहली बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, भारत ने कोई तालिबान से बात नहीं की, भारत की सरकार ने इस पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने विषय को रखा है कि हमने बात नहीं की। दूसरी बात, अभी प्रायोरिटी क्या है चित्रा जी? आज आपने दिखाया था किस प्रकार से, बाद में ये मालूम पड़ा कि इस प्रकार से कोई किसी को किडनैप नहीं किया गया था, मगर हिंदुस्तानियों की जीवन को वहां बचाना ये प्रायोरिटी है कि नहीं है? वहां किस प्रकार से सिख और हिंदुओं को वहां वो गुरुद्वारे के अंदर बंद है, उनको महफूज हिंदुस्तान में लाना ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है? आप बताइए, ये राहुल गांधी और सुरजेवाला का क्या जाता है? वहां अगर 100 को मार भी देंगे तो इनका क्या जाएगा? ये अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारा काम है हिंदुस्तानियों को सकुशल देश में बचा के लाना, ये राहुल गांधी के प्रश्नों का उत्तर देना ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। मैं तो कहता हूं सुबह से शाम तक चिल्लाइए आके सड़कों के बीच में, राहुल गांधी जी, आप और आपके प्रवक्ता, यू आर नॉट द प्रायोरिटी, इंडियन आर द प्रायोरिटी, भारतीय प्रायोरिटी है, उनकी जान को बचाना से। ये बताइए, उन्होंने कहा कि हमने तालिबान से बातचीत नहीं की, ठीक है, आप कह रहे हैं कि भारत सरकार ने तालिबान से बातचीत की है, वो मना कर रहे हैं। देखिए, पूरी तरह से कतर में दोहा में तारीख बता रहा हूँ, 29 फरवरी 2020 को बातचीत हुई है डिप्टी पीएम और अरे बैठे हैं सज्जन हार जी, पूछ लीजिए उनसे, वो तो राजनयिक है, वो राजनेता नहीं है। देखिए, मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहता, सज्जन जहां जी टीवी पर बैठकर क्या क्या बोलते हैं पूरा देश देखता है। अब बात आती है कि वहां पर भूरी भूरी प्रशंसा की गई, उसमें पूरा देश देखता है, पूरा देश देखता है। आप लोगों को, आप लोग आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहते हैं, आप लोग पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, आप लोग बालाकोट को फर्जिकल, आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल कहते हैं, पूरा देश देख रहा है। आपने उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर लिए हैं, बाकी दोनों मेहमान भी बहुत सीनियर है उनका। पहली चीज ये बताइए कि 6 अगस्त को जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही थी तो उस समय पर मोदी जी ने विषय क्यों नहीं उठाया? आप बीजेपी के प्रवक्ता को बीच में बोलने से रोकते नहीं,
मुद्दे की बात नहीं करते। आलोक शर्मा जी, अब आप अशोक जी के ऊपर भी सवाल उठाइए, एंगल के ऊपर भी सवाल उठाइए, बाकी प्लीज आलोक शर्मा जी इन चीजों से बाहर निकलिए, है ना। अब आपके हाथ में हाँ अगर कोई नहीं मिला रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि वो उनका समर्थन हो गया। प्लीज आलोक शर्मा जी, अब अशोक सज्जनार जी की बात सुन लीजिए, वो लोग दो बहुत सीनियर अधिकारी मेरे साथ हैं। प्लीज एक बात केवल सीरियसली पूछना चाहता हूँ कि जिस समय पर तालिबान एक महीने से चढ़ाई कर रहा था, जब सरकार क्यों सो रही थी, एक भी ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई, काबुल पर कब्जे के बाद प्राइम मिनिस्टर, चलिए ठीक है, और सदन के भीतर जो कुछ चल रहा था सबने देखा कि सदन कितने देर चली और उसके बाद क्या हुआ।